Hi guys, गुड इवनिंग दिस इज यो स्नेहा आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक झटपट समर स्पेशल लाइट मेकअप लुक। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट मैंने अपने स्किन को अच्छे से क्लीन कर लिया है एंड नाउ एम गोइंग टू यूज डॉट इंड की का ये मॉइस्चराइजर है एंड दिस इज वेरी माइल्ड मॉइस्चराइजर एंड दिस इज गुड फॉर स्पेशली ड्राई स्किन और अच्छे से इसे प्लेस करने के बाद अपने फेस पे मैं यहाँ पे सनस्क्रीन यूज कर रही हूं दिस इज अर्थ रिदम मैट मिनरल सनस्क्रीन और ये तो समर में इसेंशियल है ही आप इसे स्किप नहीं कर सकते तो इसे अच्छे से अपने फेस पे नेक पे और ईयर uh, पे और जो भी पोर्शन आपके ओपन हों सन एक्सपोजर में जो जाने वाले हों वहाँ अच्छे से अप्लाई कर लेना एंड दिस इज़ वेरी इफेक्टिव आप देख सकते हो वाइट का बिल्कुल नहीं देता और मैट फिनिश में है ये और इसके बाद दस मिनट से वेट कर लेना सो आफ्टर टेन मिनट्स मैं यहाँ पर प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का पर्ल प्राइमर और इसमें कुछ गोल्ड शील पार्टिकल्स हैं जो बहुत ही अच्छा है और आपको जब ये अपने फेस पे टी जोन पे फोकस करते हुए इसे अप्लाई कर रही हूँ मैं और जब आप इसे अप्लाई करोगे तो आप बिल्कुल देख पाओगे ये बिल्कुल मैट फिनिश में और आपके ओपन पोर्स को बहुत अच्छे से मतलब ब्लर कर देता है और इसको लगाने के बाद फिर दो मिनट के लिए ना वेट कर लेना और आफ्टर टू मिनट्स मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एक्वालोजिका का डी ड्रॉप्स विच इज़ वेरी हेल्पफुल इसे हल्के हाथों से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी आप लोग देख सकते हो गैज लुक एट द शाइन बिना कुछ अप्लाई किए आपका फेस इतना शाइनी है कि आप नॉर्मल विदाउट मेकअप भी ऐसे निकल सकते हो बट ना एम गोइंग टू फॉलो द फर्दर स्टेप तो यहाँ मैं दो कंसीलर का यूज़ करूँगी पहला जो यूज़ कर रही हूँ ये मिब्लिन फिटमी का कंसीलर है दिस इज़ द शेड इन थर्टी हनी और यहाँ जहाँ भी मेरे चेहरे पे थोड़े बहुत स्पॉट्स वगैरह हैं और जो यूजुअल पॉइंट्स हैं मैं उसे हल्के हाथों से अप्लाई कर रही हूँ गाइस ज़्यादा मैंने कंसीलर इसमें आ, नहीं लिया है और ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ और ब्लेंड करना बहुत ही ईजी है क्योंकि अगर स्किन को आपने अच्छे से प कर लिया है तो सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही इजीली ब्लेंडेबल होते हैं और वैसे भी जो समर जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है ना आप ज़्यादा लेयरअप ना ही करो फ़ेस को तो बहुत अच्छा है सेकंड कंसीलर जो मैं यूज़ करी हूँ ये है क्रीम कंसीलर बाय स्विस ब्यूटी एंड दिस इज़ द शेड जीरो टू नेचुरल पैच और यहाँ ना बहुत ही हल्का सा मैंने ये पैचवेला के हेल्प से मैंने लिया है और ये जस्ट हाईलाइट करने के लिए फेस को और कवर हल्का सा फुल कवरेज तो देना ही नहीं है और यहाँ पे हल्का सा कवर करने के लिए एक शेडो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने आ, इसे यूज़ कर लिया है थोड़े पॉइंट्स पे सारे यूजुअल पॉइंट्स पे मैंने यूज़ नहीं किए थोड़े थोड़े पॉइंट्स पे आप देख सकते हो ये हाईलाइट बहुत अच्छे से कर रहा है तो यहाँ ना मेरे हाइलाइटर का काम भी ये पूरा कर देगा तो दो शेड मैंने यूज़ किए हैं कंसीलर के और इसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है ये आप देख सकते हो नाव अंडर आई बहुत ही हाइलाइटिंग है और यहाँ हाइलाइटर की कोई ज़रूरत नहीं है अब फेस को पूरी तरह से सेट से करने के लिए मैं मिबली न्यूयॉर्क का फिटमी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ द शेड एंड सन बिच और ये कॉम्पैक्ट ज़्यादा मेरे को ईजी लगता है क्योंकि ना आपको ये हर टोन में अवेलेबल है आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ले सकते हो और अच्छे से इसे अप्लाई कर लो तो फाउंडेशन की भी जरूरत नहीं होती जैसे इस मेकअप लुक में मैंने फाउंडेशन का यूज़ ही नहीं किया है एंड नाउ आई एम डन और यहाँ पर अब ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जो ज़्यादा नेचुरल मेरे को लगता है पाउडर ब्लश की जगह मैं यहाँ जेली जेलीटेंट यूज़ कर रही हूँ ये है रेने का समर स्लश जेलीटेंट ये है जूसी स्ट्रॉबेरी बहुत ही लाइट मैंने लिया है इसका जो कलर इतना हाई पिगमेंटेड है ना गाइस कि आप देख सकते हो इसे अप्लाई करते ही ये चीक्स को नेचुरल एक लुक दे रहा है जिसमें आप पाउडर या फिर लिक्विड ब्लश अगर आप यूज़ करते हो तो वो चीज़ आपको नहीं मिलता है यू कैन सी ये बिल्कुल एकदम नेचुरल इफ़ेक्ट देगा जैसे Just... तो अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो कि बहुत ही नेचुरल और सटल सा लुक दे रहा है क्योंकि वैसे भी इस लुक को मैंने बहुत ज़्यादा एकदम सिंपल एंड शोबर लुक ही रखा है जस्ट लाइक ए नो मेकअप लुक मस्कारा के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबली न्यूयॉर्क का हाइपरकल मस्कारा और इसके चार पांच कोट अगर आप अप्लाई कर लो ना तो आप लोगों को फॉल्स लैशेस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आईब्रोज़ के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस का ब्रो आर्टिस्ट जीनियस और बहुत ही नेचुरल ये कलर आपको देता है एज यू कैन सी इस पुली के हेल्प से मैंने वैक्स के थ्रू इसे सेट कर लिया और इसे पाउडर के हेल्प से मैं फिलअप कर लूंगी एज यू कैन सी इट्स गिविंग अ वेरी नेचुरल टच और जैसे मैंने बताया कि ये नो मेकअप लुक है तो ज्यादा लगना नहीं चाहिए कि आपने यहाँ पे बहुत सारा मतलब मेकअप लगा रखा है हालांकि मेकअप तो किया ही नहीं है बहुत ही लाइट है लिप शेड के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ जस्ट हब्स का ये मिनी ट्रैवल किट है इसमें से ये मैंने जो शेड लिया है ये है सॉफ्ट पिंक बेरी एंड बहुत ही प्यारा सा शेड है आप लोग जैसे कि देख सकते हो बहुत ही सटल लुक ये प्रोवाइड कर रहा है और जो मैंने नो मेकअप लुक रखा है उसके साथ बहुत ही ये अच्छा जा आ रहा है मैट फिनिश में और अब बारी आती है मेकअप को सेट करने की तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूं डीवी सेटिंग स्प्रे बाय एन वाई बे और इसे मैंने डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई ना करके एक ब्यूटी स्पॉन्ज के थ्रू अप्लाई कर रही हूं और डैप डैप करके अपने मेकअप को पूरी अच्छी तरीके से सेट कर लूंगी और बहुत ही प्यारा लुक आएगा गाइज एज यू कैन सी एंड आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो डू लेट मी नो इन द कमिंग सेक्शन समर के लिए ये बहुत ही प्यारा लुक है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना आई विल सी यू सून